आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से तकरीबन 45 साल पुरानी है। तब मेरे दादाजी गांव में बैलगाड़ी चलाने का काम किया करते थे। उस समय सिर्फ दादाजी ही नहीं बल्कि गांव के बहुत से लोग बैलगाड़ी चलाने का काम किया करते थे। भले उन दिनों गांव में सुविधाओं की कमी थी मगर सुकून भर भर कर था। दादाजी का काम कुछ इस प्रकार से था कि वो हर रोज सुबह अपनी बैलगाड़ी लेकर घर से निकलते और रात को 9-10 बजे तक अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस घर आ जाते। इस बीच दादाजी बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर इतना पैसा कमा लेते कि वो दो वक्त की रोटी खा सके। इसी तरह से दादाजी और बाकी घर वालों के दिन गुजर रहे थे। एक रात की बात है, दिसंबर का महीना चल रहा था। गांव में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। दादाजी को रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े खड़े अब काफी समय गुजर चुका था मगर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी। हालांकि दादाजी के अलावा बाकी बैलगाड़ी वाले वहां से जा चुके थे मगर दादाजी उन्होंने तो जैसे कसम खा ली थी कि आखिरी सवारी को लेकर ही जाऊंगा। मगर शायद उनकी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। बहुत इंतजार करने के बाद भी दादाजी को कोई सवारी नहीं मिली, लिहाजा दादाजी बैलगाड़ी लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े। ठंड इतनी ज्यादा थी कि दादाजी का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। ठंडी हवाओं के चलते बार बार उनकी आंखों में पानी आ जा रहा था जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। रास्ते पर दादाजी के अलावा दूसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था जो कि इतनी रात गए इस ठंड के मौसम में लाजमी ही था। इसलिए दादाजी को कोई हैरानी नहीं हुई। वो बिना किसी रुकावट के चुपचाप आगे बढ़ते रहे। रास्ता खामोशी में इस कदर डूबा हुआ था कि कुछ हद तक दादाजी को अपने सांसों की आवाज भी साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। रात हर पल गहराती जा रही थी। चूंकि उन दिनों गांव में बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी इसलिए दादाजी हमेशा अपने साथ एक बैटरी टॉर्च रखते थे जो अभी उनके काम आ रहा था। टॉर्च की रोशनी में अभी दादाजी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर लाश घर यानी गांव के इकलौते मुर्दा घर के बाहर खड़े जगदीप पर गई। जगदीप जो कि उसी लाश घर में काम करता था मगर फिलहाल जगदीप हाथ दिखाकर दादाजी को बैलगाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहा था। जगदीप का इशारा पाकर दादाजी ने बैलगाड़ी को ठीक उसके पास रोका। तभी जगदीप ने दादाजी से कहा, मनोहर एक काम करेगा, बहुत जरूरी है। इस पर दादाजी बोले, क्या काम है बोल। दादाजी की बात पर मनोहर दादाजी के थोड़ा करीब आते हुए बोला, एक लाश है, उसको सिमरगढ़ गांव के शमशान तक ले जाना है, अपनी बैलगाड़ी में ले जाएगा। जगदीप की बात सुनकर दादाजी एकदम से चौंक गए और उन्होंने उसे मना करते हुए कहा, पागल है क्या, मैं अपनी बैलगाड़ी में लाश वास नहीं ले जाता, मैं नहीं कर सकता यह काम। इस पर जगदीप ने दादाजी से कहा, देख ले 5 रुपए दूंगा। उस जमाने में 5 रुपए कमाना मतलब गांव में सबसे अमीर होने जैसा था। जिस पर दादाजी ने जगदीप से कहा, पर अगर किसी को पता चल गया तो कि मैं अपनी बैलगाड़ी में लाश ढोता हूं तो फिर कोई मेरी बैलगाड़ी में नहीं चढ़ेगा। इस पर जगदीप बोला, तू पागल है क्या, इतनी रात गए तेरी बैलगाड़ी देखने कौन घर से बाहर निकलेगा, और लाश पूरा ढका हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हालांकि 5 रुपए की बात सुनकर दादाजी आधा हाँ बोल चुके थे पर जगदीप ने जब ये कहा कि कुछ नहीं होगा तो दादाजी पूरी तरह से मान गए।
जिसके बाद दादाजी और जगदीप ने मिलकर एक लाश को बैलगाड़ी में चढ़ा दिया। साथ ही साथ जगदीप ने दादाजी को 5 रुपए थमा दिए और दादाजी उस लाश को लेकर चल पड़े सिमरगढ़ गांव की ओर। इससे पहले दादाजी ने कभी भी अपनी बैलगाड़ी में लाश नहीं बिठाया था, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लग रहा था। पर अब पैसे ले लिए हैं तो काम भी करना ही पड़ेगा, इसलिए दादाजी चुपचाप आगे बढ़े जा रहे थे। अभी दादाजी बैलगाड़ी चला ही रहे थे कि तभी उनके नाक में एक सड़ी हुई सी बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी ज्यादा सड़ी हुई थी कि दादाजी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मगर दादाजी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। दादाजी पीछे पलटे तो पाया कि वो बदबू उसी लाश में से आ रही है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जिस पर दादाजी ने मन ही मन सोचा, ये लाश बहुत पुरानी लगती है। इतना सोचकर दादाजी वापस से आगे बढ़ने लगे। अभी दादाजी उस लाश को बैलगाड़ी में लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज आने लगी, जैसे कोई बैलगाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा हो। दादाजी की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उन्हें लगा शायद उनकी बैलगाड़ी को लाश ढोते किसी ने देख लिया, जिस वजह से वो बैलों को तेजी से हांकने लगे। मगर दादाजी की बैलगाड़ी जितनी तेजी में चल रही थी, पीछे से वो दौड़ने की आवाज उतनी ही तेजी से आए जा रही थी। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर बैलगाड़ी के पीछे दौड़ कौन रहा है। मगर कुछ ही देर में पीछे से वो दौड़ने की आवाज आनी बंद हो गई। दादाजी की जान में जान आई, मगर उन्होंने बैलों को हांकना बंद नहीं किया। वो उसी तरह से बैलों को हांकते रहे ताकि जल्द से जल्द वो सिमरगढ़ गांव पहुंच सकें। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। दादाजी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी टॉर्च की रोशनी में उन्हें रास्ते के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा नजर आया। वो आदमी हाथ दिखाकर दादाजी को बैलगाड़ी रोकने के लिए बोल रहा था। दादाजी ने सोचा कि अगर उन्होंने बैलगाड़ी रोक दी और इस आदमी को बैलगाड़ी में बिठाया तो इसे पता चल जाएगा कि गाड़ी में लाश है, इसलिए दादाजी ने बैलगाड़ी को बिना रुके वहां से तेजी से निकाल लिया। मगर तभी जब दादाजी ने उस आदमी को पार किया तो पीछे से कुछ खटपट की आवाज आई। दादाजी ने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो आदमी किसी तरह से बैलगाड़ी में पीछे बैठ चुका है। इससे पहले कि दादाजी उसको कुछ बोल पाते, उसने खुद ही कहा, देखो मुझे पता है कि यह लाश है, पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे जरा आगे तक छोड़ दो। दादाजी के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो राजी हो गए। अभी दादाजी उस आदमी को लेकर कुछ आगे गए ही थे कि तभी पीछे से उस आदमी ने कहा, ये लाश के चेहरे पर से कपड़ा हट गया है, इसे ठीक करो, बदबू आ रही है बहुत। उस आदमी की बात सुनकर दादाजी ने अपनी टॉर्च को पीछे की तरफ घुमाया तो सच में उस लाश का चेहरा खुला हुआ था। मगर जब दादाजी ने उस लाश के चेहरे को ध्यान से देखा तो उनकी हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो आदमी बैलगाड़ी में बैठा था उसका चेहरा और उस लाश का चेहरा एक ही था, मतलब वो लाश उसी आदमी की थी। तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उस आदमी का चेहरा भी काफी खौफनाक हो गया था। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, मगर दादाजी इतना जरूर समझ गए थे कि अगर वो यहां रुकें तो अच्छा नहीं रहेगा, जिस वजह से दादाजी ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी और भागकर सीधे घर आ गए।
अगली सुबह जब दादाजी अपनी बैलगाड़ी के पास गए तो वहां बैलगाड़ी तो थी, मगर वो बैलगाड़ी में से लाश गायब थी। वो लाश कहां गई किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।